शांति। आज का जो टॉपिक है परमात्म प्यार, मैं समझती हूं कि जब से आप यहां आए हैं तब से परमात्मा पिता के बारे में परिचय भी मिला है और उनसे हमारा कितना प्यारा संबंध है वो भी स्पष्ट हो गया होगा। और इस स्पष्ट होने से अवश्य परमात्मा से प्यार क्या चीज है, क्या अनुभूति होती है प्रभु प्यार से, उसका अनुभव भी आप सबने थोड़ा बहुत तो किया ही होगा। प्यार ऐसी चीज है जो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक प्यार सबको चाहिए। और प्यार अगर लाइफ में नहीं है तो वो जीवन ऐसे ही हो जाती है जैसे सूखा वृक्ष कोई होता है। जीवन को जैसे वृक्ष को हरा भरा करने के लिए प्यार है, जल है वो, ऐसे ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए या जीवन में खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए प्यार बहुत जरूरी। लेकिन यहां हम ये विचार कर रहे हैं कि प्रभु प्यार क्या चीज है। आत्माओं के प्यार का अनुभव तो आप सबको है ही, माता के रूप का भी प्यार का अनुभव होगा, पिता के रूप का भी, जो भी संबंध देह के साथ होते हैं उन आत्माओं के साथ प्यार क्या होता है उसका अनुभव है। अभी हमको परमात्म प्यार का अनुभव करना है। पहले ये बात हम सोचें कि प्यार किस आधार से होता है। प्यार का आधार है एक बहुत गहरा संबंध। जितना गहरा संबंध होगा उतना प्यार सुतह ही होता है। तो एक आधार है संबंध और दूसरा आधार है प्यार का प्राप्ति। कोई न कोई प्रकार की प्राप्ति जब किसी से भी होती है तो न जानते हुए न परिचय होते हुए भी प्यार हो जाता है। जैसे मानो कोई समय मनुष्य को सहयोग की आवश्यकता होती है, रास्ते चलते मानो कुछ हो जाता है या कोई तकलीफ आ जाती है और ऐसे टाइम पर अगर कोई भी मनुष्य आत्मा उसका सहयोगी बन जाता है, उसे सहयोग प्राप्त हो जाता है ऐसे आवश्यकता के टाइम, तो उसकी दिल कहती है कि इसको तो हम कभी नहीं भूल सकते। तो प्राप्ति के आधार से भी प्यार होता है।
और तीसरा है कोई न कोई विशेषता या चमक दमक कहां होती है तो भी उस चीज से प्यार हो जाता है। लेकिन हमको देखें कि जो भी प्यार के आधार है परमात्मा से हमारा संबंध भी बहुत गहरा है। आपने इन दिनों में सुना ही होगा कि परमात्मा से हमारे क्या क्या संबंध है। मैं तो यही कहूंगी कि परमात्मा से हमारा क्या नहीं संबंध है वो कोई संबंध है ही नहीं। सर्व संबंध हमारा परमात्मा के साथ है। माता भी है वो, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो संबंध और क्या होते हैं। एक ही परम पिता परमात्मा है जिससे सर्व संबंध हो सकता है और कोई भी आत्मा से सर्व संबंध नहीं हो सकता है। मानो कोई भाई है तो भाई भाई रहेगा, पिता नहीं बन सकता है। पिता के समान बन सकता है लेकिन पिता नहीं बन सकता। लेकिन परमात्मा ऐसा है जिससे हम सर्व संबंध अनुभव कर सकते हैं। पिता हम उसको क्यों कहते हैं? वैसे तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर का पिता कोई परमात्मा नहीं है। शरीर के पिता तो हमारे सब अलग अलग है, लेकिन परमात्मा को भी हम पिता कहते हैं। वो कौन कहता है मेरा परमात्मा पिता है? शरीर नहीं कहता, लेकिन आत्मा कहती है कि आत्मा का पिता परमात्मा है। अगर हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तो आप देखिए, एक सेकंड के लिए आप अनुभव करो, इस शरीर के भान से थोड़ा किनारे हो जाओ और अपने को इस शरीर के अंदर ब्रुकटी के बीच चमकती हुई आत्मा समझो। समझ लिया अपने को आत्मा? अभी आप सोचो कि आत्मा रूप से आपके सर्व संबंध किसे हैं? जो भी इस दुनिया के संबंध है, एक जन्म के संबंध है ये तो, या जो भी इस दुनिया के पदार्थ है उसका आत्मा से कनेक्शन है कि देह के साथ कनेक्शन है? सब संबंध आप देखेंगे देहधारियों के, वो देह के साथ संबंध है। जो पदार्थ भी दुनिया में है वो भी देह के साथ संबंध है। सर्व पदार्थ का ये खाना पीना सोना करना एंजॉय करना टेम्पररी साधनों से, ये सब शरीर के लिए है। लेकिन आत्मा का संबंध जो है एक परमात्मा के सिवाय और किससे नहीं। और परमात्मा निराकार होने के कारण, सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व संबंध निभा सकता है। आप किसी भी भावना से परमात्मा को याद करो, क्योंकि संबंध में भी हमने देखा है हरेक को भिन्न भिन्न संबंध प्यारा लगता है। कोई को भाई बहन का संबंध प्यारा लगता है, किसको पति पत्नी का संबंध प्यारा लगता है, किसको गुरु और शिष्य का संबंध प्यारा लगता है, किसको टीचर और स्टूडेंट का, किसको फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। जो भी संबंध आपको प्यारा लगता हो
लाइफ में एंजॉय करने के लिए, उस संबंध से आप परमात्मा पिता को याद कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को देह नहीं है, ज्योतिर्बिंदु है, ज्योति स्वरूप है। हमको प्रैक्टिकल अनुभव है इस बात का। मैं समझती हूं 15-16 वर्ष तक पहुंचे थे, बोर्डिंग में, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के बोर्डिंग में तो हम 9 साल के गए थे, लेकिन कुछ साल के बाद हमने ट्रांस द्वारा पहले ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखा। हमें इतना परमात्मा का ज्ञान मिला नहीं था स्पष्ट, आत्मा का ज्ञान पहले मिला था। जैसे स्कूल में होता है, पहले ही थोड़ी केजी के क्लास में कोई एमए बीए का तो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया, तो पहले आत्मा का ज्ञान स्पष्ट था। और साक्षात्कार ट्रांस में भी हम लोग जाते थे, मैं भी ट्रांस में 8 साल की आयु से हमको परमात्मा से वरदान मिला। लेकिन तब शुरू में जो ट्रांस में साक्षात्कार होते थे वो श्री कृष्ण के और देवताओं के होते थे। ज्योति बिंदु परमात्मा का साक्षात्कार कुछ समय के बाद हमने किया। तो आप समझिए, जब हमको कोई पहचान परिचय नहीं था, लेकिन हमने जब ज्योति बिंदु को देखा तो हमारा अनुभव था कि रूप तो, शिकल तो कोई नहीं थी, ब्रह्मा बाबा की भी शिकल नहीं थी, लेकिन ज्योति बिंदु को देख करके मुझे ऐसे लगा कि ये मेरा सब कुछ है। फेस कोई भी नहीं था, लेकिन वो देख करके ऐसे लगा जैसे बहुत कोई प्रिय वस्तु होती है ना, समझो बहुत 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 प्रिय वस्तु जो होती है वो आपको सामने आ जाए, तो आप सोचो आपको क्या अनुभव होगा। ऐसे उस ज्योति बिंदु से हमको ऐसे ही अनुभव हुआ कि ये मेरा अपना है और सब कुछ यही है। आश्चर्य तो लौटने के, साक्षात्कार के लौटने के बाद आश्चर्य लगा मेरे को, लेकिन उस समय जैसे उस प्रभु प्रेम के संबंध, सर्व संबंध का रस उस ज्योति बिंदु से हमको जैसे अनुभव हो रहे थे। जैसे कहते हैं ना, लव लीन, ऐसे उसको देखते 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 ऐसे मुझे लगा जैसे सर्व संबंध का जो रस है, अनुभव है, वो मुझे उस ज्योति बिंदु से हो रहे। और दिल कहती थी कि ये मेरे आंखों से हटे नहीं, लेकिन साक्षात्कार तो थोड़े टाइम के लिए होता है, तो साक्षात्कार की घड़ी तो पूरी हो गई। लेकिन फिर जब पिताश्री शिव बाबा, वही ज्योति बिंदु ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के शिव परमात्मा ज्योति बिंदु का परिचय दिया हमको, तभी हमको पता पड़ा कि वाह, भाग्य अपना कहेंगे कि मुझे तो ट्रांस द्वारा उसी परम पिता परमात्मा ने अपना रूप दिखाया और अनुभव कराया। और सचमुच ऐसे लग रहा था जैसे मैं हूं भी, खुद को भी नहीं समझती तो मैं हूं,
वो दुनिया वाले कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन हमने अनुभव किया कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, लेकिन आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाती। लव लीन और लीन में फर्क है। लीन माना तो वो आत्मा का जो अस्थि है, स्मृति है, वो आत्मा ही खत्म हो गई परमात्मा में समा करके, लेकिन लव लीन है उसके प्यार में बिल्कुल खो जाना। तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया साक्षात्कार द्वारा कितना प्यारा है। मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं कि वो प्रभु प्यार, जो कहते हैं परमात्मा प्यार का सागर है, तो सचमुच जहां सर्व संबंध का अनुभव होगा, एक एक संबंध के प्यार का अनुभव आपको है, लेकिन ये प्यार और वो प्यार में फर्क है, वो मैं सुनाती हूं। लेकिन सर्व संबंध एक में मिल जाए तो आप सोचिए उस समय क्या अनुभूति हो। तो प्रभु प्यार ऐसी चीज है, और वैसे भी देखो प्यार में मनुष्य अपने को कुर्बान करने के लिए सेकंड में तैयार हो जाते। अगर दिल का प्यार है तो स्वार्थ का प्यार नहीं। स्वार्थ का प्यार होता है तो वो तो स्वार्थ पूरा हुआ तो वो इधर तो वो उधर हो जाएगा। लेकिन जो दिल का सच्चा प्यार होता है वो और चीज होती है। और जो दिल का सच्चा प्यार होता है उसमें कुछ भी कुर्बान करना, जैसे क्षमा के ऊपर पतंग सेकंड में स्वाह हो जाता है, ऐसे परमात्म प्यार में अनुभव कहता है। हमारा सिर्फ अनुभव नहीं है, हमको तो साक्षात्कार पहले हुआ, लेकिन अभी तो ज्ञान के आधार से भी, योग के आधार से भी हम अनुभव करते हैं। अनेक भाई बहनों का अनुभव है। जब परमात्म प्यार का अनुभव हो जाता तो कुछ भी कुर्बान करने के लिए बड़ी बात नहीं लगती, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि ये मैंने कुर्बान किया या त्याग किया। प्यार ऐसी चीज है जो त्याग करना यानी छोड़ना कोई भी चीज, तो परमात्म प्यार में ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर बुराइयां है ना, और हम उनको छोड़ने चाहते हैं। कौन है जो बुराइयों को पसंद करता है? भले परवस जिस समय बुराई के हो जाता है उस समय होश नहीं रहता है, उस समय तो समझते हैं ये करना ही है, लेकिन जब थोड़ा भी होश में आते हैं तो सभी समझते हैं बुराई ठीक नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। तो जो हमारे अंदर अभी कलयुग के समय होने के कारण हर एक में कोई ना कोई बुराई सबसे ज्यादा है, अगर विशेष रूप में देखे तो पांच विकार की बुराई तो सभी में आई जाती, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अभी मैं ये जो भी आप सभी यहां आए हो ना, उनसे एक क्वेश्चन करती हूं, बुराई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब पांच ही बुरी चीजें हैं, ये तो अनुभव होगा ही, लेकिन जो भी यहां सभी बैठे हैं उनमें से कोई ऐसा है, चाहे बहन चाहे भाई, जिसने कभी बचपन से लेकर अभी तक क्रोध नहीं किया हो या क्रोध का अनुभव नहीं हो? कोई है? हाथ उठाए वो जिसने सारे लाइफ में क्रोध का अनुभव नहीं किया हो, न किया हो न मन में या मुख से, आंखों से भी क्रोध होता है,
ऐसा है कोई उसको प्राइज मिलेंगी? है कोई? है कोई नहीं हाथ उठाता। देखो तो क्रोध बुरी चीज है ये भी समझते होंगे, है क्रोध अच्छी है चीज। जो समझते हैं क्रोध तो करना ही पड़ता है, क्रोध के बिना कैसे चलेंगे, है कोई ऐसा? ये यहां आने से तो ये तो समझ लिया होगा कि क्रोध बुरी चीज है और क्रोध को मिटाने के लिए ही प्यार है। जहां प्यार होता है वहां क्रोध नहीं होता है। चाहे वो आपको उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे ना तो उसका उल्टा सुल्टा भी आपको अच्छा ही लगेगा, कहेंगे ये तो प्यार से कहते हैं। दूसरा कहेगा अरे ये तुमको क्या कह रहा है, गाली दे रहा है तुमको, कहेंगे गाली थोड़ी ही है ये तो प्यार से। तो प्यार ऐसी चीज है जो जिससे प्यार होगा ना वो अगर क्रोध भी आपको करेगा आपको क्रोध नहीं लगेगा, प्यार ही लगेगा। तो प्यार जो भी हमारे अंदर बुराई हमारे से मुश्किल निकलती है, जैसे मानो कोई भी बुराई हमारे में है, हर एक अपने मन में जानते हैं कि मेरे अंदर अच्छा बनने के लिए कौन सी बुराई डिस्टर्ब करती है, किसमें अवमान होगा, किसमें क्रोध होगा, किसमें लोभ होगा, किसमें मोह होगा। मोह कोई सिर्फ संबंध से नहीं होता है, मोह पहले अपने बॉडी से भी बहुत होता है। देह के साथ पहला मोह होता है और उसके साथ में संबंधियों का भी मोह होता है, चीजों का भी मोह होता है, पदार्थ का। कई है जिनको संबंध से मोह नहीं होगा, चीजों से भी मोह नहीं होगा, लेकिन एक कोई चीज ऐसी होती है जिसे बहुत मोह होगा, वही याद रहेंगी। और जिससे मोह होता है ना उसकी निशानी क्या है, जहां भी आपका मोह होगा वहां बार बार मन और बुद्धि आपका वहां झुकेगा। जैसे इसीलिए कोई भी बुराई अगर है अंदर में उसको छोड़ने के लिए सोचते हैं ना, चाहते तो है। जैसे यहां आप आए हो तो यहां का वायुमंडल, यहां का संग देख करके स्टडी करते सभी सोचते होंगे कि अभी ये अच्छा तो नहीं है, ये वहां भी चले, वहां भी मैं ऐसा ही रहूं, उसके लिए ताकत चाहिए, यहां तो ठीक है। तो प्रभु प्यार ऐसी चीज है, आप और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ प्रभु प्यार का अनुभव करके जाओ तो आपको कोई भी बुराई छोड़ने में कोई देरी नहीं लगे। क्यों? कि प्यार में लवलीन रहने के कारण ये जो बुराइयां है ना वो आपको ऐसे लगेंगी जैसे कुछ है ही नहीं, ये बड़ी चीज नहीं लगेंगी। जैसे ऊंची ऊंची जगह पर हम जाते हैं ना, जैसे प्लेन में जाते हैं तो सारा ही शहर उसका शहर समझो, लंदन में हम उड़ रहे हैं अभी, ऊपर प्लेन से अगर लंदन को देखो तो क्या लगेगा, और नीचे से लंदन की एक गली भी आपको बड़ी लगेंगी, और प्लेन से ऊंचे जा करके अगर नीचे देखो तो वो बड़ी चीज भी बिल्कुल छोटी लगेगी। ऐसे जब प्रभु प्रेम का अनुभव हो जाता है तो जो आज छोड़ना मुश्किल लगता है ना चीज, या कोई संस्कार या कोई बुराई, जो आज हमको मुश्किल लगता है वो प्रभु प्यार की स्टेज है ऊंची, और ये है नीची की चीजें बुराइयां। तो ऊंचे प्रभु प्यार की स्टेज में जब हम खड़े हो जाते हैं तो ये बुराइयां जो है ना वो हमको ऐसे छोटी सी चीज लगती है,
अरे प्रभु प्यार मिल गया तो ये क्या बड़ी चीज है, ऐसे अनुभूति होती। और परमात्मा को सर्वशक्तिवान भी कहा जाता है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो परमात्मा से जिससे प्यार होगा, आप देखो जिससे प्यार होगा ना, अगर वो कोई मानो वो चीज नहीं खाता है और आपको उसका प्यार बहुत अच्छा लगता है और प्यार उससे करने चाहते हो, अगर वो आपको कहेगा ये चीज मैं नहीं खाता हूं, तो आपको भी छोड़नी पड़ेगी, आपको बड़ी बात नहीं लगेगी। और वैसे अगर जाएंगे आप और कोई कहे ये चीज छोड़ो, तो आप नहीं छोड़ सकेंगे। लेकिन जिससे प्यार हो जाता है उसके लिए कुछ भी छोड़ना छोड़ना नहीं लगता है, प्यार की कुर्बानी लगती। तो ऐसे प्रभु प्यार जो होता है, ये तो देहधारियों का प्यार भी छुड़ा देता है। देहधारियों का प्यार भी कितने भी विघ्न आ जावे उसके आगे, लेकिन उसमें इतनी ताकत प्यार की आ जाती है, जो वो समझता है ये कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे पार करना ही है। तो परमात्म प्यार फिर ऐसी चीज है जो वो सर्वशक्तिवान होने के कारण शक्तियां भी देता है। सहन करने की शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, ये सब शक्तियां परमात्मा से प्यार के रिटर्न में जो मिलती है ना, उस शक्ति के आधार से भी जो आप छोड़ने चाहो वो आपको मुश्किल नहीं लगे। क्योंकि कई आत्माओं ने, हम लोगों ने अनुभव किया है, पिताश्री ने कहा, शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा श्रीमत दी कि बच्चे इस पांच विकारों को छोड़ना है। बहुत जन्मों के संस्कार होने के कारण सुनने से बहुत लगता है मुश्किल, कैसे छूटेगा ये, क्रोध नहीं चाहते भी हो जाता है कैसे छूटेगा, पता ही नहीं पड़ता है। जिस समय क्रोध आता है उस समय परवश क्रोध के ऐसे हो जाते हैं जो पता ही नहीं पड़ता है मैं क्या बोल रहा हूं क्या कर रहा हूं, छूटना तो बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन जैसे परमात्म प्यार में बढ़ते गए, दिल अनुभव करती गई प्रभु प्यार का, उसके बाद ये छोड़ना सहज हो जाता है। अगर मानो पुराने संस्कार है, क्योंकि आपको ये भी तो पता पड़ा होगा सृष्टि चक्र के ज्ञान के हिसाब से, तो 63 जन्म हमने जो भी व्यतीत किए हैं इस ड्रामा चक्र में, वो हमारे धीरे धीरे बुराइयां बढ़ती गई हैं। तो 63 जन्म के जो संस्कार है उसको छोड़ने में टाइम तो जरूर लगता है, अभ्यास अटेंशन थोड़ा देना पड़ता है। लेकिन अगर मानो वो पुराने संस्कार हमारे को सामना करते हैं, तो हमारे में भी तो सामना करने की शक्ति चाहिए ना, वो है ईविल शक्ति और ये है प्योर शक्ति। परमात्म प्यार की शक्ति प्योर शक्ति है और वो है ईविल की शक्ति, बुराई की शक्ति। तो बुराई की शक्ति से तो जो परमात्म शक्ति है, अच्छाई की शक्ति है, वो तो श्रेष्ठ है ही ना। अगर बीच बीच में कभी वो बुराई फिर से इमर्ज हो भी जाती है, होता है ऐसे, जैसे वो दबी हुई चीज होती है वो कभी कभी निकल आती है ना, तो ऐसे पुराने संस्कार जो 63 जन्म के है वो कभी कभी इमर्ज भी हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा प्यार द्वारा, परमात्मा के वरदान द्वारा, परमात्मा के सर्वशक्तिवान से शक्ति आत्मा में बढ़ने के कारण उस संस्कार को फिर समाप्त कर देते, सामना करने की शक्ति द्वारा वो संस्कार दब जाते हैं, फिर प्रभु प्रेम में लवलीन हो जाते।
तो ऐसे प्रभु प्यार में शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं आप समझो भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, पहले सभी ऐसे ही समझते हैं, आप लोग अलग नहीं हो, पहले ऐसे ही लगेगा आपको। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है ना, मुझे अच्छा बनना ही है, ये अगर इसको कहते हैं दृढ़, बनना ही है, और जो थोड़ा सा कम वाला होता है ना, उनके शब्द क्या होंगे, बहन जी अच्छा तो बहुत लगा, मैं तो समझती हूँ, समझता हूँ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन देखूंगा, कोशिश करूंगा, सोचूंगा, गा गा जो शब्द आता है ना, वो है दृढ़ता कम। करना ही है ये है दृढ़ संकल्प, और देखूंगा, करूंगा, सोचूंगा, गा गा की, तो बुराई के संस्कार तो पहले ही पक्के हैं, और बुराई के संस्कार देखते हैं ये थोड़ा तो झुक गया है, थोड़ा ढीला हो गया, और भी ढीला कर दो उसको, जैसे थोड़ा कोई झुक जाता है ना तो उसके ऊपर और चढ़ाई कर लेते हैं, तो ये भी ऐसे ही। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प करेंगे, हमको याद है एक हमारा स्लोगन शिव बाबा ने दिया है, दृढ़ता सफलता की चाबी। आप अपने जीवन को सामने लाओ, कोई भी बात को, जिस समय जिस बात में आपने दृढ़ संकल्प किया होगा ना, मुझे करना ही है, वो कार्य जरूर हुआ होगा। और जिसमें सोचाऊंगा, जैसे देखो अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, सारे डेली टाइम टेबल अपना बनाते हैं, उसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर काम के लिए लिखते हैं, भाई पहला ये काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, और पहला काम जो होता है उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प है आज करना ही है, वो हो जाता होगा। और जो तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर होगा ना, उसके लिए कहेंगे टाइम नहीं है ना, अच्छा कल कर लेंगे, क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं है। और दृढ़ता जिसमें होती है वो हो ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चाबी अपने पास आप ले जाओ, परमात्मा की चाबी है दृढ़ता, दृढ़ता सफलता की चाबी है। किसी भी कार्य में, चाहे लौकिक कार्य में, चाहे ईश्वरी कार्य में, पुरुषार्थ में, लेकिन दृढ़ता की चाबी आपने लगाई और सफलता आपको नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अनुभव किया है, जहां भी हम दृढ़ संकल्प रखते हैं वहां सफलता हुई पड़ी है। मैं तो कहूंगी होंगी या नहीं होंगी क्या, लेकिन दृढ़ता से सफलता हुई पड़ी है, ये हम सबका अनुभव कहता है। तो ये चाबी अपने पास जरूर रखना, संभाल के रखना, क्यों कि इस चाबी के पीछे ये बुराई माया जो है ना, उसको बहुत चोरी करने की आदत है। तो ये आपकी चाबी जो है ना दृढ़ता की, वो माया नहीं ले जाए, संभाल के रखना। तो आपको लौकिक कार्य में भी और ईश्वरी कार्य में भी बहुत सहयोग मिलेगा। और परमात्म प्यार जो है वो आपको दृढ़ता सुत ही दिलाएगा, क्योंकि परमात्मा जो है वो कमजोर है क्या? परमात्मा को तो कहा ही जाता है सर्वशक्तिवान ना, तो हम उसके प्यार में उस जैसे तो बनेंगे ना, मास्टर सर्वशक्तिवान तो बनेंगे ना, जिससे प्यार होता है वैसे बनना, उस वैसे ही हमारी चाल ढाल हमको वही पसंद आएंगी। तो इसी रीति से अगर परमात्मा से हमारा प्यार है, तो परमात्मा से प्यार होने के कारण हम मास्टर सर्वशक्तिवान तो बनेंगे,
और उस मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के कारण हमारे में हिम्मत आएगी और हम आपको एक वो भी परमात्मा का महावाक्य याद दिलाते हैं जो आपको समय पर काम में आएंगी और ये हमारे फायदे की है। तो परमात्मा का हम सब बच्चों के प्रति एक प्रतिज्ञा की हुई है। कौन सी प्रतिज्ञा है? वो शिव बाबा कहते हैं आप सिर्फ हिम्मत का एक कदम उठाओ, हिम्मत का एक कदम आपका और हजार कदम मदद के शिव बाबा बंधा हुआ है। हिम्मत नहीं कभी हारना। कई बातें आएंगी आपके सामने लेकिन हिम्मत एक कदम आपका और हजार कदम परमात्मा पिता के मिलते। इसीलिए हिम्मत नहीं छोड़ना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना तो आप जिस भी लाइफ में जिसमें सफलता चाहते हो वो सफलता आपको बिल्कुल ही सहज प्राप्त होगी। क्योंकि हमारे 6 लाख परिवार के परिवार जो है उन्हों का अनुभव है। ऐसे सिर्फ हम नहीं कहते आपको मिलेंगी लेकिन अनुभव है। जब हमको अनुभव हो गया तो क्यों नहीं आपको होगा? आप तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे भाई बिछड़े हुए आकर के मिले हैं, परमात्मा को अपने बच्चे अपने घर में आ गए हैं, क्यों नहीं मदद देंगे आपको? सिर्फ हिम्मत नहीं हारना। कोई भी बात आवे जो भी आपके समीप में सेवा केंद्र हो जिससे भी आप सेंटर से कनेक्शन रख सको, ऐसे नहीं यहां कनेक्शन रखा और वहां जाओ तो कहो बिजी हो गए ना, समय नहीं मिलता है ना, ऐसे नहीं करना। अगर संग करते रहेंगे तो संग का रंग आपको जरूर लगेगा। इसीलिए माया तो आती है, बहाना भी बहुत होता है, टाइम नहीं है, कल जाएंगे, फिर कहेंगे आज भी कुछ हो गया, चलो फिर कल चले जाएंगे। तो हमारे इंडिया में कहते हैं कल कल करते काल आ जाता है लेकिन कल नहीं आता है। इसीलिए दृढ़ता और हिम्मत इन दोनों बातों को साथ रखेंगे तो परमात्म प्यार के लवलीन अवस्था का अनुभव अवश्य करेंगे। ओम शांति।
again.